वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है मियासिस। मियासिस का पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट मैंने इसका बना लिया है। तो लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों को पता होगा हमने मियासिस फर्स्ट में क्या पढ़ा था, जो मियासिस जो पार्ट वन था, मियासिस फर्स्ट जो था, तो हमने उसमें पढ़ा था प्रोफेज, और प्रोफेज के डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेटाफेज का फर्स्ट स्टेज। ये जो मेटाफेज जो होता है ना, जब हम माइटोसिस पढ़ते हैं बिल्कुल ही माइटोसिस के जैसे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पियर क्रोमोसोम्स बनते हैं। पियर क्रोमोसोम्स कहाँ पे बनते हैं, जब तो ये पियर क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये कहाँ पे मतलब अलाइन हो जाते हैं, इस एक प्लेट टाइप का बीच में एक लाइन बन जाती है, इसी पे क्या होते हैं ये पियर क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल माइटोसिस के जैसे मेटाफेज होता है वही सेम वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पियर होते हैं। दूसरा क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये अटैच होते हैं काइनेटोकोर। यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं ये बिल्कुल मेटाफेज प्लेट में आएंगे, और साथ में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर के साथ, ठीक है ना। तो दूसरा जो फेज है इस मियासिस फर्स्ट का वो होता है एनाफेज। एनाफेज का मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव हो जाएंगे टुवर्ड्स देयर पोल्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं जो, और साथ साथ में क्या हो जाएंगे, जब मियासिस हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो ये जो एनाफेज जो होता है ना यहीं पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं हाफ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमोसोम्स इस मेटाफेज प्लेट में थे ना, तो ये मूव करेंगे टूवर्ड्स मतलब आवर अगर अलग मतलब इनका अलग इस साइड का अलग पोल होगा और इस साइड का, तो ये अलग अलग मतलब अपने अपने पोल के साइड ये मूव करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होता है इसका, तो ये क्यों मूव हो जाते हैं, क्योंकि यही स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इनको खींच लेता है अपने साइड में, ठीक है ना। दूसरा तीसरा स्टेज जो होता है टेलोफेज फर्स्ट, तो ये क्या होता है टेलोफेज फर्स्ट जो होता है ना बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर होता है टेलोफेज ऑफ माइटासिस। और यहाँ पे क्या होता है, जो बायवलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं वो कॉइलड रहते हैं, मतलब आगे स्टेजेस जितने भी होंगे तो वो क्या रहते हैं उसमें कॉइलड रहते हैं। इसके बाद आता है मियासिस सेकंड, ठीक है ना। तो ये जो मियासिस सेकंड जो होता है ना मेन यही होता है इक्वेशनल मतलब डिवीजन। यहाँ पे जो होते हैं क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं बिल्कुल जिस तरीके से जो होता है ना नॉर्मल माइटोसिस की तरह होता है। अभी तक रिडक्शन होता था, लेकिन मियासिस सेकंड में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से माइटोसिस में रहता है, इक्वेशनल यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, जब हमने पढ़ा था बीच में आता था इंटरफेज, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एम फेज, यहाँ पे एम फेज आता है, तो बीच में इस पोर्शन में क्या आता था इंटरफेज। लेकिन मियासिस सेकंड में क्या होता है, बिल्कुल ये एम फेज के जैसे होता है, लेकिन इस मियासिस सेकंड में इंटरफेज जो होता है ना बीच में नहीं आता है। बाकी जो स्टेजेस होते हैं इस मियासिस सेकंड के, फॉर एग्जांपल हो गया प्रोफेज होगा, प्रोफेज इसी के नाम से बिल्कुल होगा प्रोफेज सेकंड, और मेटाफेज भी होगा इसी मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। और ये क्या होते हैं, ये तीनों स्टेज जो होते हैं ना बिल्कुल रिजेंबल करते हैं किसके साथ, माइटोसिस के साथ बिल्कुल एक। इसीलिए यहाँ पे जो है ना सेम चीज़ें जो होती हैं वैसे ही होता है जिस तरीके से क्या होता है माइटोसिस में चीज़ें होती हैं, इसलिए इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम एग्ज़ाम में वही माइटोसिस का लिखें, लेकिन याद रखना है जो यहाँ पे मियासिस सेकंड जो होता है, तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोर हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं, फोर डॉटर हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं लास्ट में, जो साइटोकाइनेसिस होते हैं उसमें इसमें क्या बनते हैं फोर हैप्लॉयड सेल्स। तो इसकी अगर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, इट मेंटेन्स अ क्रोमोसोम नंबर, मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, जो ओवम होता है मतलब ये होता है जर्म लाइन्स,
जर्म लाइन सेल्स में ये होता है ना मियासिस। तो यहाँ पे ओम जो होता है और स्पोम का जो क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना, जब ये जायगोट में आएगा तो इनका जो क्रोमोसोम जो है ना 23 ही रहेगा, 23 पेयर ही रहेगा। तो इसका मतलब जो जितनी भी जनरेशन जितनी भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनका जो क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो मतलब मेंटेन ही रहेगा, जो पेरेंट में होगा वही क्या रहेगा मतलब जो जनरेशन न्यू जनरेशन आएगा वही उस। दूसरा क्या होता है, इट इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेल क्रोमोसोम होता है, साथ में क्या होता है फीमेल क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। तो मेल ओम से आता है, फीमेल मेल का स्पोम से आता है, फीमेल किससे आता है ओम का, ओम से। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्रोमोसोम्स देखते हैं तो क्रॉसिंग ओवर जब हुआ था ना पैच टेन में, तो यहाँ पे क्या हुआ है कुछ सेगमेंट कुछ जीन्स जो होते हैं इन क्रोमोसोम्स ने एक्सचेंज किए, उससे क्या होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो तीसरा इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, यहाँ पे जो होती हैं सेल्स जो बनते हैं डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। हैप्लॉयड को किस तरीके से डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है ना। अगर हम डिप्लॉयड देखेंगे जो माइटोसिस में होता है वो 2N से, टू सेटस नंबर, मतलब वहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो गैमेट्स मतलब गैमेट सेल्स जो बनेंगे उनका जो क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो क्या होगा हैप्लॉयड, ठीक है ना। तो टेलोफेज में क्या होता है, लास्ट में अगर हम देखेंगे ना टेलोफेज में ये फरो बनता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्टेज जो होता है ना आगे साइटोकाइनेसिस में चली जाएगी और ये और अंदर मतलब जो है ना और ये कंस्ट्रक्ट होके दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा है ये मियासिस पार्ट सेकंड जो है ना लगभग हमारा सेल साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम इस वीडियो बनाएंगे लेक्चर्स का वो बनाएंगे हम एनिमल फिजियोलॉजी पे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।